हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवारा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मौर्यकालीन मूर्तिकला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम स्थापित करता है। इस अवधि में मूर्ति निर्माण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। कहा जाता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद गांधार, जो कि अब पाकिस्तान में है, मथुरा तथा बेंगी यानी कि मुख्यतः अमरावती महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में जानी गई। कला के ये तीन प्रमुख केंद्र थे, गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला। इसके अंतर्गत तीन शैलियों का विकास हुआ, गांधार, मथुरा और अमरावती। बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप से मथुरा और गांधार में मानवाकार रूप धारण कर दिखाया गया। गांधार की जो मूर्तिकला है उसके बारे में आपसे बात करूं कि गांधार की मूर्तिकला परंपरा रूप से बैक्ट्रिया, पर्थिया और स्थानीय गांधार परंपरा का संगम रहा। गांधार क्षेत्र लंबे समय से सांस्कृतिक प्रभावों का मिलन स्थल बना। सम्राट अशोक के शासनकाल में यह क्षेत्र गहन बौद्ध मिशनरी गतिविधियों का केंद्र बन गया। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण साम्राज्य के शासकों ने, इसमें गांधार शामिल है, रोम के साथ संपर्क बनाए रखा। बौद्ध आख्यानों की अपनी व्याख्या के अनुसार गांधार कला संप्रदाय पद्धति ने शाखीय रोमन कला से कई रूपांकनों और तकनीकों को अपने में सम्मिलित किया। दूसरी ओर मथुरा में स्थानीय मूर्तिकला परंपरा इतनी मजबूत थी कि यह परंपरा उत्तरी भारत के अन्य भागों में फैल गई। तो आप देखेंगे जो गांधार मूर्तिकला है उसमें यूनानी परंपराओं को देखने को मिलता है, और मथुरा जो मूर्तिकला है वहां पर स्थानीय परंपराओं को देखने को मिलता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं इस इमेज में गांधार, मथुरा और अमरावती, तीनों दृश्य आपको अंकित किए गए हैं। गांधार, मथुरा और अमरावती जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। आइए अब हम मूर्ति शिल्प की विशेषताओं की बात करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी है और कई बार परीक्षा में प्रश्न बनता है गांधार, मथुरा और अमरावती, जो कि इस चार्ट के माध्यम से सहजता और सरलता के साथ आपके बीच में बातें रखी जा रही है।